ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाए जाने की चारों तरफ निंदा की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि एक ओर तो प्रदेश सरकार कर्जे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक हैं और वेतन भत्तों का बढ़ने का सबसे पहले विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने किया था। विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाए जाने की चौतरफा निंदा की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि एक और तो प्रदेश सरकार कर्जे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक हैं और वेतन भत्तों का बढ़ने का सबसे पहले विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने विरोध किया है। कश्मीर सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के द्वारा वेतन भत्तों को लेकर एक स्वर में बात की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में केवल कम्युनिस्ट विधायक राकेश सिंघा ने सबसे पहले भत्तों का विरोध किया, लेकिन बाकी विधायक चुप रहे। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ है। वास्तव में हिमाचल सरकार कर्जे पर चल रही है और हमारे आपने देखा होगा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही माल है। एकमात्र विधायक है जो सीटू का अध्यक्ष रहा पहले राकेश सिंघा, उसने विरोध किया और उसने कहा भी कि जो वेतन और भत्ते जो बड़े हैं मैं उसको नहीं लूंगा और ये जनता का पैसा है, जनता का शोषण है, सरकार कर रही है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हम तो विरोध करते हैं इसका, हम आज भी विरोध करेंगे।